हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बेस बताने जा रही हूँ, ऐसी बेस जो हर कोई पसंद करेगा। मैं आज आप लोगों को काशिश जैसा फाउंडेशन बनाना सिखा रही हूँ। जो लोग काशिश के फाउंडेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो लड़कियाँ, कुछ पॉलर्स भी हैं जो काशिश के फाउंडेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने उन लोगों को सोचा ऐसी बेस बताऊं कि जो काशिश जैसा रिज़ल्ट देगी। 100% सेम तो नहीं मैं कह रही, काशिश का फाउंडेशन भी अच्छा है, लेकिन मैं उस जैसा बनाने की कोशिश करती हूं। मैंने इसको बनाया भी है और यूज़ भी किया है, आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा करें। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो आपका बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो। हमें काशिश जैसा फाउंडेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ये मिस रोज़ की बेस है मेरे पास, बेज वन मैट फाउंडेशन है, ठीक है। ये अफोर्डेबल है, हर किसी के पास होती है। इस पे भी मैंने पार्टी बेस बनाना सिखाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी देखिए, उससे भी मैंने अच्छा काम आपको सिखाया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें चाहिए डर्माकोल की बेस। ये डर्माकोल की ओरिजिनल बेस मैं इसमें यूज़ करने लगी हूँ। इसकी ओरिजिनल और फेक पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वो भी वॉच कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये मैट फाउंडेशन चाहिए, ठीक है। ये हम देख लें, मिकदार आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मैंने मिस रोज़ का फाउंडेशन लिया है, बेज नंबर है इसका, ठीक है। इससे कम मिकदार में मैं ये डर्माकोल डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मिनरल बेस। मिनरल बेस मैं आपको दिखा नहीं रही, क्योंकि आप लोग ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, पूछते हैं कौन सी, आपके पास जौन सी भी मिनरल बेस है उसका मैं आइवरी नंबर ले रही हूँ। नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। ये मैं इसके अंदर मिनरल बेस डाल रही हूँ, ठीक है। आपके पास शेफर की हो, आईवन की हो, एम जे मेराकी की हो, कोई भी हो, मिनरल बेस चलेगी इसमें। और शेड में डाल रही हूँ आइवरी, आप भी आइवरी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास लिप टिंट है, ठीक है। ये आम सा लोकल सा है, कोई ब्रांड नहीं, कुछ खास नहीं, ये रेड कलर का है, ठीक है। आप लोगों के पास जौन सा भी लिप टिंट हो, लेकिन बस लिप टिंट हो, या के वो जो चीक्स टिंट भी आजकल इतने लिक्विड टिंट, लिक्विड ब्लशन जो मिलते हैं, वो इसमें कोई भी मिक्स कर रहते हैं, बस ख्याल रहे एक चीक्स टिंट ऐसा मिलता है जो वो स्टिकर बन के उतर जाता है, प्लीज़ वो यूज़ नहीं कीजिएगा, आपकी बेस भी स्टिकर ही बन जाएगी, इस तरह का है, ठीक है। ये देखें इसका, ये जितनी बेस, जितनी मिकदार आपको नज़र आ रही है, इसमें मैं ये एक कतरा के बराबर, यूँ समझे, ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये रेड कलर का है, ये मैं वो कलर काशिश की बेस का बना रही हूँ जो अक्सर यूज़ होता है। उसकी ब्राइड में आपने भी देखा होगा, वो डोल जैसी लुक दे रही होती हैं, बिल्कुल पिंक पिंक बेस जो बनती है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिंगल फाउंडेशन भी साथ लगा के चेक करवाऊंगी और ये भी लगा के चेक कराऊंगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा टिंट और डाल रही हूँ, ये मुझे कम लग रहा है। ये देखें इसकी मिक्सिंग का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि ये मिक्स अच्छी तरह होनी चाहिए, ये चारों चीज़ें बिल्कुल स्मूथ लुक दे रही हो, तो फिर आपने फेस पे यूज़ करना है। ये ना हो कि मिनरल अंदर पाउडर के जो है ना वो दाने दाने अलग नज़र आ रहे हों, फाउंडेशन अलग नज़र आ रहा हो और हमारा टिंट जो है वो अंदर मिक्स ही ना हुआ हो। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह आपने करनी है, ये बिल्कुल जब आप लगाएंगे ना, जैसे काशिश की फाउंडेशन लगा के किसी कंसीलिंग की नीचे ज़रूरत नहीं रहती, किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं रहती, इसी तरह का ये है। ये देखें ये अब मेरा मिक्स हो चुका है, कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि आप समझे कि घंटों लगेंगे इसको मिक्स करने पे।
2 मिनट, 1 से 2 मिनट में आराम से ये मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैं पहले आपको ये जो है ना फाउंडेशन खाली लगा के दिखाती हूँ मिस रोज़ का, इसकी शेड की क्या थी, क्योंकि हमने ज़्यादा ये यूज़ किया है डर्बाकोल का, तो इसका इससे हाफ मिकदार में हमने यूज़ किया। ठीक है, ज़्यादा अगर आप लोगों के पास, ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको भी साइड पे कर दे, स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप खाली इससे मिस रोज़ से भी बनाना चाहें तो ये बन जाएगी, यही सेम फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं मिस रोज़ का फाउंडेशन लगा रही हूँ खाली। ठीक है, इसके इसको लगाने का मकसद है मैं आपको साथ दिखाऊं वो उसकी शेड भी और उसकी कवरेज भी। अब ये देखें, ये मेरे पास बनी है ये मिक्स करके। ठीक है, ये वो शेड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है काशिश के फाउंडेशन की। ये शेड अक्सर जो है ना, ये मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ, इसकी कवरेज देखें, इसकी कवरेज देखें, ये हाई कवरेज हो चुका है। इसके नीचे हमें किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वैसी लुक दे रहा है जैसे काशिश की बेस जब लगी, उसकी ब्राइड्स हम देखते हैं ना, बिल्कुल डॉल लुक उनकी आ रही होती है। जब आप इसको भी पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, फिर कॉम्पैक्ट वगैरह लगाएंगे, तो इसके ऊपर आप चाहे तो आप पाउडर जो है ना वो इससे भी लाइट शेड में दें, बिल्कुल वाइट शेड में पाउडर दे लें तो और ज़्यादा फेयर हो जाएगी। ये आप लोग जब इस फार्मूला को बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को और भी इसमें पिंक टोन चाहिए तो आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट जो है वो क्रिस्टाइन का 904 नंबर लगा लें, वो पिंक शेड में आओ, बिल्कुल जैसा कि काशी प्रेस पाउडर लगाता है उसका भी आपने देखा होगा पिंक शेड में होता है और सारी बेस ही पिंक पिंक हो जाती है। तो आप इसके ऊपर क्रिस्टीन का 904 कॉम्पैक्ट लगा लें अगर आपको पिंक बेस चाहिए। अगर आपको फेयर में वाइट में चाहिए तो आप एक क्रिस्टाइन में फेयर नंबर भी आता है, आप इसके ऊपर वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैग वगैरह का इसके ऊपर यूज़ मेरे ख्याल से नहीं इसकी ज़रूरत, क्योंकि ये हाई कवरेज फाउंडेशन बन चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगी, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन थी। काशिश की फाउंडेशन भी ऐसी ही होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।